पांच राज्यों की पूरी तस्वीर अभी तक की जानने के लिए सीधे लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल, जिस तेजी के साथ रोमाना ये आंकड़े बदल रहे हैं वो लगातार स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टीएमसी 87, बीजेपी 75, कांग्रेस 4। अगर हम पश्चिम बंगाल के आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं, असम के भी हम आंकड़े दिखा रहे हैं, बीजेपी 26 पर आगे चल रही है, केरल के भी आंकड़े सामने हैं। और केरल के आंकड़ों की अगर बात करें तो बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। और देखिए तमिलनाडु के आंकड़े, उसमें बीजेपी आगे, कांग्रेस 35 पर, बीजेपी 31 पर। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। असम में बीजेपी 24 पर, कांग्रेस 13 प्लस पर सीट पर आगे चल रही है। केरल में लेफ्ट पार्टी जो है वो 81 पर, कांग्रेस 57 सीटों पर, यानी लेफ्ट को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ अभी के शुरुआती रुझानों में हमें दिखाई दे रहा है। तो नतीजों का जो अपडेट है वो फौरन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आंकड़ा आप देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस प्लस यानी डीएमके जो है वो 34 सीटों पर है। पुदुचेरी की बात करें तो बीजेपी प्लस जो है वो 5 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में 87 पर टीएमसी और 77 पर बीजेपी बनी हुई है। यानी जो कहा जा रहा था नंदीग्राम जो सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर थी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच, उसमें ममता बनर्जी पीछे चल रही है। पुदुचेरी से बीजेपी 5 सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और ये बहुत शुरुआती रुझान है, 1 घंटा 4 मिनट की लगभग अभी तक काउंटिंग हुई है। तमिलनाडु में भी टक्कर बहुत कांटे की है, ऐसा नहीं है कि डीएमके को साफ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है। AIADMK का भी अच्छा खासा प्रदर्शन इस समय आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो टीएमसी 87 पर, बीजेपी 78 पर, ये आंकड़े मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के। ABP News आपको रखे आगे।